हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने एक बार फिर कब और कहां बनाया रणबीर कपूर का मजाक। शाहिद कपूर ने फिल्म मिलन टॉकीज से नाम वापस लेने की क्या बताई है वजह। रणवीर सिंह से क्यों नाराज हो सकते हैं उनकी फिल्म रामलीला के मेकर्स। प्रियंका चोपड़ा से पहले कौन सी एक्ट्रेस थी फिल्म बर्फी के लिए अनुराग बासु की पहली पसंद। और साथ ही आपको मिलवाएंगे जूम के एडिटर इन चीफ अक्षय कुमार से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जुम्बास्टिक एपिसोड की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान ने एक बार फिर अपने रियलिटी शो के दौरान रणबीर कपूर पर साधा है निशाना। और इस बार सलमान ने कुछ इस अंदाज में रणबीर का बनाया मजाक कि सल्लू के रियलिटी शो के मेकर्स ने इस मजाक को ऑन एयर करने से कर दिया है इनकार। ऐसा क्या कहा सलमान ने रणबीर के लिए, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। नया लड़का आया है रणबीर, वो भी मार रहा है रणबीर, वो भी मार रहा है, वो भी मार रहा है। जो सलमान खान ये जवानी है दीवानी के रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद रणबीर कपूर को टॉप बॉलीवुड स्टार्स में गिनते नजर आए थे, रिपोर्टेडली उन्हीं सलमान खान ने बेशरम के फ्लॉप होते ही बचा दी है रणबीर कपूर की बहन। सलमान ने तोड़ दिया है अपना वो वादा जिसमें वो एक दूसरे को सिर्फ काम से मारने की बात कहते आए हैं। ये नहीं कि मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि मार सकते हैं कि नहीं। और फिर आमिर भी आ रहे हैं और फिर नया लड़का आया है रणबीर, वो भी मार रहा है। पर काम से नहीं जुबान से मारा है सलमान खान ने बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार रणबीर कपूर को। ये किस्सा है सलमान खान के रियलिटी शो का जो रिपोर्टेडली आप तक पहुंचने से सिर्फ इसलिए रह गया क्योंकि सलमान का शो टेलीकास्ट करने वाले चैनल ने सलमान खान की जुबान पर कैंची चला दी। लेकिन सोर्सेस से पता चला है कि सलमान ने रिसेंटली रणबीर की फिल्म बेशरम के फ्लॉप होने का अपने शो पर जमकर मजाक उड़ाया है। दरअसल ये इंसिडेंट तब हुआ जब लास्ट वीक बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म वॉर छोड़ना यार के स्टार्स शर्मन जोशी और जावेद जाफरी सलमान खान के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे। बातों ही बातों में जावेद जाफरी ने सलमान को बताया कि उनकी फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया है। उस पर शर्मन ने चेन्नई एक्सप्रेस से पहले तक सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट रही थ्री इडियट्स को क्रिटिक्स से सिर्फ 3 स्टार्स मिलने की बात गिना दी। इतना बहाना काफी था सलमान के लिए। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो रणबीर की फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों के सामने बड़ी फ्लॉप बताने के लिए काफी था। रिपोर्टेडली सलमान का रिएक्शन था, मेरी फिल्मों को तो इतना भी नहीं मिलता, अभी बेशरम रिलीज हुई उसको भी 1.5 स्टार्स मिले एंड आफ्टर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस वर मेड पब्लिक क्रिटिक्स डिसाइडेड टू डिडक्ट दैट 1 स्टार एज वेल। बेशरम के फ्लॉप होने पर इतना बेशरम कमेंट शायद ही किसी स्टार ने किया होगा। हालांकि सलमान का ये रिएक्शन खुद उनके ही शो में एडिट कर दिया गया। शो को टेलीकास्ट करने वाले चैनल ने सलमान की कही हुई बात पर कैंची चला दी। वहीं जब जूम ने खुद शर्मन जोशी से सलमान के शो में रणबीर की फिल्म का मजाक बनाने की बात कंफर्म करने की कोशिश की तो उनका कुछ ऐसा कहना था। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। बेशरम की सलमान भाई ने बोला ये नहीं, आई वॉज नॉट ऑन स्टेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई रियली डोंट नो। कुछ रिव्यूज इतने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे वॉर छोड़ना यार को लेकर के, तो जब सलमान भाई से उसके बारे में बात हुई, जावेद भाई ने वो मेंशन किया था उनको, तो उन्होंने कहा भैया स्टार्स मेरी पिक्चर को तो एक ही स्टार मिलते हैं, तो तुम्हारी पिक्चर को कितने मिले। मैंने कहा कहीं 3 दिए कहीं 2.5 दिए, तो बोले तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, मेरे को तो 1.5 से ज़्यादा मिले नहीं अब तक। वैसे मामला जो भी हो पर उस शो को टेलीकास्ट करने वाला चैनल सलमान की जुबान पर कैंची चलाकर आने वाले वक्त का बड़ा सुपरस्टार माने जा रहे रणबीर को नाराज करने से भले बच गया हो, पर अब खतरा इस बात का है कि अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मशहूर सलमान इस बात से नाराज न हो जाएं, क्योंकि अपने ही शो पर अपनी ही कही हुई बात का सेंसर किया जाना शायद ही उन्हें पसंद आएगा। वैसे भी सलमान की जुबान पर लगाम लगाने का काम कम ही लोग कर पाए हैं। उनका मुंह जब जब खुला है बड़ी बेबाकी से खुला है। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. Now, when this area का dog will come into this area का, and he will line mount that bitch, the other dogs will throw him away.
पीठ पीछे ही नहीं खुलेआम मुंह पर वो स्टार्स की खिल्ली उड़ाते रहे हैं। ऐसे में किसी वजह से इंडस्ट्री का ये नया लड़का अगर वाकई सलमान के निशाने पर है तो देखने वाली बात ये होगी कि रणवीर आखिर कब तक सलमान का टारगेट बनने से बच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इमरान खान, प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर के बाद अब शाहिद कपूर ने भी फिल्म मिलन टॉकीज को करने से इनकार कर दिया है। और शाहिद के इस इनकार के पीछे की वजह बताई जा रही थी कि उन्हें बालाजी फिल्म्स का वर्किंग स्टाइल नहीं है पसंद। लेकिन क्या इस न्यूज में है कोई सच्चाई, आइए खुद शाहिद से ही जानते हैं। बट देवर रिपोर्ट्स वेन वर द रिपोर्ट्स दैट आई सेड यस टू, किसी चीज़ को हाँ बोलने के बाद ही उसको ना बोला जाता है ना, तो मैंने जब कहा था कि मैंने हाँ ही नहीं बोला है तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने ना बोल दिया। सो आई नेवर कन्फर्म द फैक्ट दैट आई वॉज डूइंग दैट फिल्म। आई ऑलवेज सेड दैट आई हैव बीन ऑफर्ड द फिल्म, आई हैव टू मीट द फिल्म मेकर्स, आई हैव टू गो थ्रू नरेशंस। नाउ अगेन द स्पेकुलेशन दैट आई एम नॉट डूइंग द फिल्म। If I am doing the film, I'll let you guys know. मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि मैं वो फिल्म कर रहा हूँ। It was always speculation. शाहिद कपूर मीडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फिल्म मिलन टॉकीज ऑफर जरूर हुई थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को साइन नहीं किया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में ऐसी रूमर्स चल रही थी कि शाहिद कपूर बालाजी फिल्म्स के काम करने के तरीके से खुश नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन शाहिद कपूर इन खबरों को स्पेकुलेशन का नाम दे रहे हैं। बट देवर रिपोर्ट्स वेन वर द रिपोर्ट्स दैट आई सेड यस टू, किसी चीज़ को हाँ बोलने के बाद ही उसको ना बोला जाता है ना, तो मैंने जब कहा था कि मैंने हाँ ही नहीं बोला है तो फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने ना बोल दिया। सो आई नेवर कन्फर्म द फैक्ट दैट आई वॉज डूइंग दैट फिल्म। आई ऑलवेज सेड दैट आई हैव बीन ऑफर्ड द फिल्म, आई हैव टू मीट द फिल्म मेकर्स, आई हैव टू गो थ्रू नरेशंस। नाउ अगेन द स्पेकुलेशन दैट आई एम नॉट डूइंग द फिल्म। If I am doing the film, I'll let you guys know. मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि मैं वो फिल्म कर रहा हूँ। It was always speculation. वैसे अब कम से कम शाहिद कपूर के इस बयान के बाद अब ये बात साफ हो ही गई है कि वो ये फिल्म नहीं कर रहे। वैसे शाहिद कपूर का पीछा उनकी लास्ट फिल्म भटा पोस्टर निकला हीरो ने यहाँ इस इवेंट पर भी नहीं छोड़ा। यहाँ भी शाहिद कपूर फिल्म भटा पोस्टर निकला हीरो को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर जरा नाराज नजर आए। Well, शाहिद, it's really okay. मीडिया आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। सलमा खान, Zoom, मुंबई। एक्टर रणवीर सिंह की खराब तबियत की वजह से फिल्म रामलीला के मेकर्स अपनी फिल्म का प्रमोशन अब तक ठीक ठाक से शुरू नहीं कर पाए हैं और रणवीर सिंह ने अभी अपने फिल्म के मेकर्स से कुछ और दिनों की छुट्टी की डिमांड की थी। लेकिन आज हम जूम पर रामलीला के मेकर्स को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद शायद वो रणवीर सिंह की छुट्टी की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दे। फिल्म रामलीला के मेकर्स इस बात से काफी परेशान है कि उनकी फिल्म का प्रमोशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा और इसकी एक बड़ी वजह है एक्टर रणवीर सिंह की तबीयत खराब होना। रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म के मेकर्स से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है ताकि वो अपने घर पर आराम कर सके। लेकिन क्या रणवीर सिंह आजकल घर पर आराम कर रहे हैं? वेल, रणवीर सिंह डेंगू से रिकवर होने के तुरंत बाद पार्टी करने में बिजी हो गए हैं। हमने रणवीर सिंह को रिसेंटली जोया अख्तर की एक पार्टी के दौरान स्पॉट किया। यही नहीं, आजकल रणवीर सिंह अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीवुड मूवीज एंजॉय करने में लगे हुए हैं। वेल, ऐसे में वी होप रणवीर सिंह की फिल्म रामलीला के मेकर्स उनकी इन पार्टी पिक्चर्स को देखकर नाराज ना हो जाए, क्योंकि रामलीला के मेकर्स ने छुट्टी आराम करने के लिए दी है न कि पार्टी करने के लिए। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है लेकिन अब तक इन दोनों लव बर्ड्स ने ऑफिशियली अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया है। पर Zoom को अब खबर मिली है कि बहुत जल्द ये दोनों स्टार्स अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। People are really excited to know who we are going to get married to and when we are going to get married to. So I think me and Salman should finally just get married to each other. Rani ne Zoom par jatayi thi apni khwahish that she should get married to Salman Khan. Aur Rani ke is wish par Salman ne diya tha ye jawab. She's married, na?
पर सलमान के इस क्वेश्चन पर जूम देगा एक्सक्लूसिवली जवाब कि रानी मैरिड है या नहीं, क्योंकि सोर्सेस से ये पता चला है कि रानी मुखर्जी बहुत जल्द अपनी शादी का अनाउंसमेंट करेंगी। जी हाँ, खबरों के अनुसार रानी आदित्य चोपड़ा के साथ शादी का ऐलान इस साल दिसंबर 22 को कर सकती हैं। एंड इफ ऑल गोज वेल एंड इफ दिस रूमर इज ट्रू, वी वुड गेट टू सी रानी टाइंग द नॉट विद आदित्य चोपड़ा इन जैन 2014। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि रानी और आदित्य की शादी पिछले साल ही होने वाली थी, पर यश चोपड़ा के सडन डिमाइस की वजह से मैरिज प्लान्स को साइड पर रख दिया गया। लेकिन अब फाइनली द चोपड़ा खानदान इज ऑल सेट टू वेलकम द ब्राइड रानी मुखर्जी टू देयर फैमिली। वी टू होप दैट रानी ऑफिशियली अपने और आदित्य के इस हिडन रिलेशनशिप को अब डिक्लेयर कर ही दें। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर आजकल अपनी हर फिल्म के डायरेक्टर को कैटरीना कैफ का नाम रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब से कुछ दिनों पहले ही कैटरीना कैफ को रणबीर कपूर के ऑपोजिट एक फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन कैटरीना फिर भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई थी। आप भी देखिए कौन सी है वो फिल्म। रणबीर आजकल कर रहे हैं कैटरीना को रेकमेंड एज हिज कोस्टर। पहले खबर आई कि रणबीर बेशर्म में कैटरीना के साथ काम करना चाहते थे, और अब रिसेंटली सुनने में आया है कि कैटरीना को जग्गा जासूस इसीलिए मिली है क्योंकि रणबीर उस फिल्म के को प्रोड्यूसर है। खबरों की माने तो पहले ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा को ऑफर की गई थी, लेकिन रणबीर ने अनुराग से कहकर इस फिल्म के लिए कैटरीना को साइन कर लिया। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये जूम आपको बताएगा। लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ। के साथ एक्चुअली मेरा बहुत दिन से, कई दिनों से है, ये जिंक्स नहीं टूट रहा हम दोनों का। इनफैक्ट कैटरीना अपनी पहली फिल्म शायद मेरे साथ करती, मतलब यहाँ पे बूम के बाद वो फिल्म हुई नहीं। सुना आप लोगों ने, अनुराग बासु का कहना है कि वो तो काफी टाइम से कैटरीना के साथ काम करना चाहते थे, यहाँ तक कि वो बर्फी में भी कैटरीना को लेना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू डेट इश्यूज ऐसा हो नहीं पाया। बर्फी में भी आप जानती हैं उनका कास्टिंग होते होते फिर नहीं हुआ, डेटों का प्रॉब्लम हो गया था। तो ये काफी दिनों से हमारा, हम दोनों का ये कमिटमेंट है कि हम एक फिल्म करेंगे। यानी अनुराग ये कहना चाहते हैं कि मीडिया में जो भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि रणबीर ने कैटरीना को फाइनलाइज किया है जग्गा जासूस के लिए, वो गलत है। चलिए वी होप इस बार कुछ भी जिंक्स ना हो और आप जल्द ही कैटरीना और रणबीर के साथ अपनी फिल्म पर काम करना शुरू कर दें। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्रकाश झा एक बार फिर अपने मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्मूला को बॉक्स ऑफिस पर आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है प्रकाश झा की प्लानिंग, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। डायरेक्टर प्रकाश झा की लास्ट रिलीज हुई कुछ फिल्मों को क्रिटिकल अक्लेम तो मिला है, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस इन फिल्म्स को लेकर खास नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश झा की सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स ऑडियंस को पसंद नहीं आती। फिल्म गंगाजल प्रकाश झा की एक ऐसी फिल्म रही है जिसे न सिर्फ क्रिटिक्स ने बल्कि ऑडियंसेस ने भी खूब पसंद किया है। यही वजह है कि प्रकाश झा अपने पुराने सक्सेसफुल फॉर्मूला को दोहराने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, प्रकाश झा फिल्म गंगाजल का प्रीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही प्रकाश झा चाहते हैं कि उनकी इस फिल्म में भी अजय देवगन लीड रोल प्ले करे, लेकिन अब तक प्रकाश झा ने इस मामले में अजय से बात नहीं की है। वैसे प्रकाश झा को हम एक अच्छी खबर देना चाहेंगे कि रिसेंटली जूम के साथ बात करते हुए अजय देवगन ने कहा है कि वो गंगा जल जैसी फिल्म्स को फ्री में भी करने के लिए तैयार है। वेल, ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर प्रकाश इस फिल्म पर काम करेंगे तो अजय देवगन ही होंगे इस फिल्म के हीरो। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के दौरान एकता कपूर और शाहरुख के खराब रिश्ते की बात खूब हुई थी, लेकिन सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ समय बाद कपूर फैमिली और एसआरके का रिश्ता पहले की तरह फिर से अच्छा हो जाएगा। लेकिन जूम को एक ऐसी खबर मिली है जिससे ये साफ हो जाता है कि अभी भी कपूर फैमिली और शाहरुख खान एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। Once upon a time, एक बड़े फेस्टिवल पर दो बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस क्लैश का चर्चा रहा। दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश तो शायद टल गया, पर दोनों मेकर्स के बीच का क्लैश लगता है अब भी जारी है। खबर आई है कि एकता कपूर और उनकी फैमिली ने एक बड़े NRI बिजनेस टाइकून के यहाँ हुए मैरिज बैश को सिर्फ इसलिए अवॉइड कर दिया क्योंकि गेस्ट लिस्ट में शामिल थे शाहरुख और गौरी खान के नाम।
अब तो आप समझ गए होंगे कि मामला इस साल ईद पर अपनी अपनी फिल्मों की रिलीज की उसी लड़ाई का है जिसमें शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस जीत गई थी, और अपनी उस जीत पर शाहरुख खान जितेंद्र का शुक्रिया अदा करते नजर आए थे। It should be something that a lot of people should follow. It's unfortunate if two important films, and I think every film is important, not just Once Upon a Time in Chennai. I think all films are important which are made, and if one can amicably decide, so we'll be extremely thankful actually, the whole team, all of us on behalf of them to Jeetu Saab. Tab laga tha ki shayad mutual understanding se baat ban gayi hai, lekin tabhi Shahrukh aur Ekta ke beech ek misunderstanding ki khabar aa gayi. Sunne mein aaya ki Chennai Express ki release ke ek hafte baad bhi Ekta ki film Once Upon a Time in Mumbai dobara ko tay number of screens nahi milne par Ekta naraaz ho gayi hain. Wahin jab is mamle par Zoom ne Shahrukh Khan se baat ki to unhone ishara kiya ki Ekta ki film ko kam screens diye jane ka faisla shayad exhibitors ki taraf se aaya होगा, क्योंकि आखिरकार सबको बिजनेस करना है। काफी लोग आप लोगों से नाराज हैं, एकता कपूर नाराज है, तो पूरा जो कंट्रोवर्सी है क्या कहेंगे? I mean, she also went on record saying that you avoided Jeetu ji's call. So how true is that? If you could just I'll tell you exactly what the situation was. You know, there was a thing that films will be shifted at nobody's behest. Everybody wanted to do it themselves. Nobody's asked, nobody's told. Everybody just wanted to, because two big films should not come. I think it was just right that we should really run a film for 7 days, and somewhere down the line, because our bookings were in advance, we allowed rest of our bookings to go to share space. If there are some misconceptions, extremely, you know, it's not meant to be personal or anything. This is business, and you have to do your business with all goodness that you possibly can muster. Par lagta hai Shahrukh Khan ki baat se Ekta aur Kapoor family ab bhi ittefaq nahi rakhte. Ho sakta hai ki unhe abhi bhi yahi lag raha ho ki agar unki Akshay Sonakshi star of film Eid par aati, to ho sakta hai Once Upon a Time in Mumbai dobara 100 crores ke figure ko aasani se chhu jati. Par ab pashtane se kya? Lekin lagta hai Ekta ki family ko kuch zyada hi pashtawa ho raha hai, aur shayad इसी वजह से एकता की फैमिली ने पिछले वीकेंड हुए उस ग्रैंड मैरिज बैश से दूरी बनाकर रखी जिसमें शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी को मुंबई पुलिस ने हाजिर होने का आदेश दिया है। दरअसल अदनान सामी का वीजा अक्टूबर 6 को एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना वीजा रिन्यू नहीं करवाया है। वैसे अदनान सामी का ये मामला पॉलिटिकल रंग भी ले चुका है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी अदनान सामी से जल्द कंट्री छोड़ने के लिए कहा है। इस मामले में जूम ने जब अदनान सामी से बात करने की कोशिश की तो अदनान ने कहा कि उनसे अब तक किसी ने देश छोड़ने के लिए नहीं कहा है, और वीजा रिन्यूअल प्रोसेस में देरी होने की वजह से अब तक उनका वीजा रिन्यू नहीं हो पाया है। ऐसे में इस मामले को तूल देने की जरूरत नहीं। पौलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान की फिल्म मेंटल के टाइटल को किसकी वजह से किया गया चेंज, और साथ ही बताएंगे कैटरीना कैफ अपने पर्सनल स्टाफ से क्यों है नाराज। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म आर राजकुमार के सेट पर एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि शाहिद को ज्यादा चोट नहीं आई है। फिल्म सावरिया और ओम शांति ओम के बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद एक बार फिर शाहरुख और रणबीर की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हो सकती है। सोर्सेज की माने तो अनुराग बासु अपनी इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 तक कंप्लीट करेंगे, और ऐसे में हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख और रणबीर की टक्कर एक बार फिर हो। फिल्म रामलीला में एक धमाकेदार आइटम नंबर करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि दीपिका और उनके बीच इस सॉन्ग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही पीसी का कहना है कि खुद फिल्म मेकर्स कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए ऐसी न्यूज बनाते हैं। सुहेल खान ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल जय हो होगा, क्योंकि उनके डैड ने इस नाम को चूज किया है, और साथ ही सुहेल ने ये भी न्यूज कंफर्म की है कि उनकी फिल्म की शूटिंग टाइम पर चल रही है और वो अपनी फिल्म 24 जनवरी को ही रिलीज करेंगे।
खबरों की माने तो करण जौहर ने अपने चैट शो के न्यू सीजन को धमाकेदार शुरुआत देने के लिए रणबीर और करीना कपूर को अपने शो पर बुलाने का फैसला किया है। करण जौहर इस शो की शूटिंग जल्द ही शुरू कर सकते हैं। फॉर्मर मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी और उनके हस्बैंड प्रिंस टली को कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का सजेशन दिया था, लेकिन अब खबर आई है कि युक्ता मुखी और प्रिंस टली ने कोर्ट को ही इस मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है, क्योंकि इस केस की दोनों पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं। खबरों की माने तो ऑल इज नॉट वेल बिटवीन शिल्पा शेट्टी एंड संजय दत्त वाइफ मान्यता दत्त। सोर्सेस का कहना है कि अभी लगभग एक साल पहले तक बिजनेस पार्टनर रही दत्त और कुंद्रा फैमिली के बीच अनबन चल रही है और यही वजह है कि मान्यता एंड शिल्पा टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। खबरों की माने तो रिसेंटली कटरीना कैफ अपने पर्सनल स्टाफ से सिर्फ इसीलिए नाराज हो गई क्योंकि उनके स्टाफ ने उन्हें कैट नाम से बुलाया। जी हाँ, कटरीना कैफ को कैट नाम बिल्कुल पसंद नहीं और उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ को वार्न किया है कि उन्हें इस नाम से ना बुलाया जाए। एक्टर अक्षय कुमार ने फाइनली अपनी फिल्म बॉस के एक सॉन्ग पार्टी ऑल नाइट से एक कंट्रोवर्शियल वर्ड हटाने का फैसला कर लिया है। दरअसल अक्षय के इस सॉन्ग के खिलाफ सेंसर बोर्ड के पास कुछ कंप्लेंट्स आए थे, जिसके बाद अक्षय की टीम को सेंसर बोर्ड ने इस मामले में ध्यान देने के लिए कहा था और अब खबर आ रही है कि इस सॉन्ग से उस कंट्रोवर्शियल वर्ड को हटा दिया गया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी बैक टू बैक फिल्म्स की शूटिंग स्केड्यूल की वजह से अपनी फैमिली मेंबर्स से काफी दिनों से नहीं मिल पाई थी। यही वजह है कि दीपिका ने अपनी पूरी फैमिली को अपनी फिल्म फाइंडिंग फैनी के सेट पर मिलने के लिए बुला लिया है। बॉस अक्षय कुमार रिसेंटली पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ एक दिन के लिए उन्होंने निभाई जूम के एडिटर इन चीफ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी देखिए एडिटर इन चीफ बनने के बाद अक्के ने लिए कौन कौन से डिसीजन। आज जूम में हमारे साथ अक्षय कुमार हैं और वो हमारे आज एक दिन के बॉस हैं। वैसे हमारे बॉस तो एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी हैं, बट आज उन्होंने एक दिन के लिए अपनी पोजीशन बॉस को दी है, अक्षय कुमार को दी है। मैंने खुद छीन ली उनसे। अच्छा चलिए छीन ली है तो अक्षय यू रेडी हमारा रनडाउन आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और स्टोरीज बताते हैं। यू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके हिसाब से एक एक हम स्टोरी। हाँ तो पहली स्टोरी वैसे भी लेट आए हैं। अच्छा ओके तो पहली स्टोरी हम एक बार आपको बताते हैं एक्चुअली स्टोरीज क्या हैं। तो पहली स्टोरी है कि नॉर्मली फिल्म के साथ हर एक एक्टर को एसोसिएट कर दिया जाता है, टैग दे दिया जाता है। जैसे आपके साथ इतने सालों से खिलाड़ी अक्षय कुमार दिया गया है, मगर इस फिल्म से क्या आप अब इंडस्ट्री के बॉस हो जाएंगे? वेल मैं वैसे भी हमेशा खिलाड़ी ही रहना चाहूँगा, लेकिन बॉस जो है ये फिल्म का टाइटल है तो उसको फिल्म के टाइटल के हिसाब से ही रखते हैं। जो हकीकत है वैसे ही रहे। मैं किसी का बॉस नहीं है, ना मुझे ज़्यादा किसी के बॉस बनने का शौक है। सो आई वुड जस्ट से कि उसे वैसे ही रखें, खिलाड़ी को अपनी जगह रखें और बॉस को एज अ फिल्म वी शुड जस्ट प्रमोटेड एज अ फिल्म। तो इसका स्टोरी एंगल क्या रखा जाए, क्योंकि वैसे सलमान खान को भी अब दबंग खान बुलाया जाता है, तो आपको बॉस कुमार बुलाया जाएगा? फिलहाल तो यही कर सकते हैं जब तक रिलीज होती है, और अगर अच्छी गई तो उसके बाद कंटिन्यू रखना, नहीं अच्छी गई तो रुक देना, फिर खिलाड़ी पे वापस आ जाना जिस पे आए थे। अच्छा तुम अगला क्वेश्चन हेमंत पूछेंगे। अक्षय एक जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास वो ये है कि स्टार्स की सर पर्सनल पिक्चर्स आती हैं और सलमान ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा हमसे कि मीडिया को इस तरह की पिक्चर्स पब्लिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले रणबीर कटरीना की पिक्चर्स आई थी। अच्छा। तो सलमान का ये कहना है कि मीडिया को इस तरह की पिक्चर्स पब्लिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा काम है कि हम इस तरह की पिक्चर्स को पब्लिश करें और फैंस तक पहुँचाएँ। तो एज एडिटर आपका क्या टेक है इस पर? देखिए इसमें टेक क्या है, आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कौन इस चीज़ को पब्लिश कर रहा है, कौन सा वो फोटोग्राफर है, कौन सा क्या है, क्या उसका माइंडसेट है। कोई किसी को इंसान को रोक नहीं सकता, और हमारी अगर इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा यूनिटी हो तो हम इसको पकड़ भी सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना है नहीं। एट द मोमेंट यू कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू डू व्हाट दे वांट टू डू इट टिल यू आर नॉट हार्मिंग एनीबडी फिजिकली, सो दैट्स फाइन। तो आपकी तरफ से ओके है हम ये पिक्चर्स आगे? कुछ नहीं कर सकते ओके क्या, मैं बोलने वाला कौन हूँ? मैं एक्चुअली इसके अंदर कुछ नहीं, एडिटर हूँ, लेकिन एडिटर की भी एक सीमाएं होती हैं बोलने की कि वो कितना कर दो। मेरे ये तो है नहीं कि मैं बोलने के बाद सब रुक जाएंगे, आप ये बंद कर दोगे ऑफिस, इसके बाद कोई ऐसी फोटो छपेंगी नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं।
ठीक है, आज आप यूं यूं सर हिला लेंगे, उसके बाद कल जाके यूं यूं करके आएंगे कि ना ये चापो ये चाहिए मेरे को, तो ऐसा तो होने ही वाला है। तो आपने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है, मैंने अपने आप को बचाना है आपसे, आपने मुझे पकड़ने की कोशिश करना है, तो ये पकड़ा पकड़ाई का खेल तो चलता ही रहेगा। और ये तो है नहीं कि अब से चल रहा है, ये तो सालों साल से चलता है। अक्षय, आप जूम देखते होंगे तो जूम का कैसा लगता है आपको, जूम के बारे में अगर आप कुछ बता सके, लाइक इसके शोज? आई हैव रियली एंजॉयड लुकिंग एट दिस चैनल। आई थिंक आपका जो चैनल है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड you all come up with new kind of things, which a very innovative kind of things, which a lot of channels lack, and that is why you all are the number one channel. Thank you. Fine, thank you so much, Akshay, and it was pleasure having you as our boss for a day. Well, thank you very much for calling me here. I really enjoyed myself, and you all are a great team, and just keep up the good work. Enjoy yourself and take care of your parents. Okay. Thank you, Akshay. Time to show you special report. अमिताभ बच्चन मुंबई में एक पुलिस इवेंट पर पहुंचे, पर इस इवेंट पर पहुंचने से पहले बिग बी ने फेस की एक प्रॉब्लम, एज बिग बी गॉट स्टक इन द लिफ्ट विद टू अदर पुलिसमैन। बिग बी और पुलिसमैन को दिक्कत में देखते हुए उनके लिए जल्दी से एक फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया गया, पर उसके पहले ही लिफ्ट को ऑडिटोरियम के टेक्नीशियन ने फिक्स कर दिया। दरअसल बिग बी इस इवेंट पर एक उर्दू बुक लॉन्च करने पहुंचे थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ऑल्सो लॉन्च्ड अ बुक ऑन ट्रैफिक रूल्स, एज ही वाज कंसर्न्ड अबाउट पीपल हु ब्रेक ट्रैफिक रूल्स वेरी ऑफन। इस बुक लॉन्च इवेंट पर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर भी नजर आए। जब बिग बी इस इवेंट के बाद वहां से निकले, तब उनके साथ पुलिसमैन के अलावा दूसरे गेस्ट्स भी चले आए, और अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए द गेस्ट्स गॉट इनटू द लिफ्ट टू अकॉम्पनी द एक्टर विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर वेट हैड एक्सीडेड द लिफ्ट्स कैपेसिटी, और इसकी वजह से जाते वक्त भी लिफ्ट हाफ वे स्टक हो गई, जिसकी वजह से बिग बी को फिर से दिक्कत फेस करना पड़ा। बट विद इन नो टाइम द पुलिसमैन कॉल्ड द फायर ब्रिगेड एंड द प्रॉब्लम वाज फिक्स्ड। तो इस तरह से बिग बी की प्रेजेंस एट एन इवेंट डिड क्रिएट अ स्लाइट प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ, बट देन एज दे से ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे खास सेगमेंट चैटरडेटी में ऑडियंसेस के बॉलीवुड ज्ञान को करेंगे चेक। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरडेटी में। आज हम लेंगे फैंस की क्लास और चेक करेंगे उनका नॉलेज हमारे चैटराटी पर। जानेंगे कि फैंस अपने स्टार के निक नेम के बारे में कितना जानते हैं। चलिए देखते हैं। बताइए कि ऋतिक रोशन का निक नेम क्या है? टुगु, टुगु, टुगु। सुष्मिता सेन का निक नेम क्या है? नहीं पता। ऋतिक रोशन का निक नेम क्या है? ऐश्वर्या का निकनेम आप जानती हैं? ऐश। ऐश्वर्या का निकनेम क्या? ऐश्वर्या राय बच्चन का निकनेम क्या? ऐश। कितने बजा? ऐश। 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 प्रियंका का निकनेम क्या है? नो आइडिया। प्रियंका का तो नहीं पता, बट आई कैन टेल अदर्स, मे बी करीना, आई नो बेबो। करिश्मा का बता दीजिए। लोलो। प्रियंका चोपड़ा का निकनेम क्या? प्रियंका चोपड़ा का। करिश्मा का निकनेम क्या? नो आइडिया। सोचो। सुष्मिता का निकनेम क्या? नो आइडिया। गोविंदा का निकनेम क्या? आई डोंट नो। गोविंदा का निकनेम क्या? गोविंदा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, सॉरी। चीची और समथिंग, इज इट? गोविंदा का निकनेम आपको पता? Clean and Clear Ahmedabad Times Fresh Face ka recently semi-finale rakha gaya. We will give you more details on this in our next story. P
Clean and Clear Ahmedabad Times Fresh Face का recently held हुआ semi-finale, जहां various contestants ने किया participate और showcase किया अपना talent. Ahmedabad के semi-finale round में से कुछ winners को किया गया select, who will get a chance to participate in their city's finale round. And those who win the grand finale round, जहां कई सारे cities के winners करेंगे participate, they will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. And that's the reason why Clean and Clear had come up with the unique concept of confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. Aur Ahmedabad ke semi-finale round mein bhi judges ne contestants ke confidence ko kiya judge. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News से फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. सुनने में आया है कि दबंग सलमान खान की बोली हुई बात खुद उनके ही शो पर सेंसर कर दी गई है. सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने अपने रियलिटी शो पर रणबीर कपूर की बेशरम के फ्लॉप होने का कुछ ऐसा मजाक उड़ाया कि शो के उस पोर्शन को टेलीकास्ट करने को लेकर चैनल के सामने मुश्किल खड़ी हो गई. रिपोर्टेडली बाद में सलमान खान के मुँह से निकली बेशरम की बैंड बजाने वाली कुछ बातें एडिट करने के बाद शो को टेलीकास्ट किया गया. जाहिर है इससे चैनल रणबीर को नाराज करने से भले बच गया हो, पर दबंग सलमान खान की जुबान पर कैंची चलाना आने वाले दिनों में चैनल के लिए भारी पड़ सकता है. मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि मैं वो फिल्म कर रहा हूँ. कुछ ऐसा कहकर शाहिद कपूर ने मिलन टॉकीज से उनके बाहर होने की खबरों पर कंफ्यूजन बढ़ा दिया है. रिसेंटली जूम ने खुद मिलन टॉकीज के डायरेक्टर दिग्मांशु धुलिया का कॉन्फर्मेशन दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान के बाद शाहिद फिल्म कर रहे हैं. बाद में शाहिद के भी मिलन टॉकीज छोड़ने की खबरें आने लगी, पर लगता है शाहिद उनके फिल्म में होने न होने की बात को फिलहाल छिपा कर रखना चाहते हैं. सोर्सेस की माने तो यशराज फैमिली आने वाले 22 दिसंबर को एक बड़े सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट कर सकती है. माना जा रहा है कि ये अनाउंसमेंट रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की होने वाली वेडिंग का होगा. वैसे पिछले कई सालों में ऐसी खबरें कई बार आती रही हैं. ऐसे में इस खबर के सिर्फ रूमर होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता. अजय देवगन को लेकर प्रकाश झा गंगा जल के प्रीक्वल की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्टेडली प्रकाश झा गंगा जल में अजय देवगन के SP अमित कुमार वाले कैरेक्टर को दोबारा पर्दे पर लाना चाहते हैं. सोर्सेस की माने तो सत्याग्रह के वक्त उन्होंने अजय को इस फिल्म के लिए मना भी लिया है, और अब वो फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में जुट गए हैं. बर्फी में भी आप जानते हैं उनका कास्टिंग होते होते फिर नहीं हुआ, डेटों का प्रॉब्लम हो गया था. प्रियंका चोपड़ा नहीं बल्कि बर्फी के लिए अनुराग बासु की फर्स्ट चॉइस कटरीना कैफ थी, ये बात खुद अनुराग ने कंफर्म की है. साथ ही अनुराग का ये भी कहना है कि रणबीर कपूर का कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. ना तो बर्फी में रणबीर के कहने पर उन्होंने एक्ट्रेस की कास्टिंग की, और ना ही आगे ऐसा होगा. रणवीर सिंह को डेंगू से रिकवर होते ही पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया है. अब रणवीर के इस एक्ट से रामलीला के मेकर्स को परेशानी होना लाजमी है. वैसे भी रणवीर के बीमार होने से फिल्म प्रमोशन की स्ट्रेटजीज पर फर्क पड़ा है. फिल्म के मेकर्स सोच रहे होंगे कि रणवीर आराम कर रहे हैं, और अगर ऐसे में वो पार्टी करते और दोस्तों के साथ हॉलीवुड फिल्म्स एंजॉय करते नजर आएंगे, तो ऐसे में डर है कि कहीं रामलीला के मेकर्स उनकी इस हरकत से नाराज न हो जाएं. सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का टाइटल जय हो ही है, ये बात अब खुद सुहेल खान ने भी कंफर्म कर दी है. पहले इस फिल्म का टाइटल मेंटल बताया जा रहा था, पर अब सुहेल ने साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म के लिए जय हो टाइटल खुद उनके डैड सलीम खान ने पसंद किया है. जहां तक बात है फिल्म से जुड़े अपडेट की, तो सुहेल के मुताबिक फिल्म की शूटिंग वक्त पर पूरी हो जाएगी और फिल्म 24 जनवरी को ही रिलीज होगी. कैट फाइट की खबरों में आजकल तैर रहा है शिल्पा शेट्टी और मान्यता दत्त का नाम. सोर्सेस की माने तो लास्ट ईयर तक बिजनेस पार्टनर्स रहे संजय दत्त और राज कुंद्रा की वाइफ्स यानी मान्यता दत्त और शिल्पा शेट्टी पिछले कई दिनों से टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है.
रामलीला में एक धमाकेदार आइटम नंबर करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने उनके और दीपिका के बीच लाइमलाइट की लड़ाई को बकवास बता दिया है। प्रियंका का कहना है कि दीपिका को रामलीला में उनके आइटम नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही पीसी ने ये इशारा भी किया है कि हो सकता है कि फिल्म प्रमोशन के लिए उनके और दीपिका के बीच कैटफाइट की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने का काम खुद रामलीला की पीआर मशीनरी का हो। फिल्म सावरिया और ओम शांति ओम के बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद शाहरुख खान और रणबीर कपूर की फिल्मों के बीच दोबारा टक्कर हो सकती है। रिपोर्टेडली शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर और रणबीर कपूर की जग्गा जासूस नेक्स्ट ईयर एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आ सकती है। सोर्सेस ने इशारा किया है कि अनुराग बासु अपनी इस फिल्म का शूट हर हाल में सितंबर तक खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो साल के आखिर में शाहरुख खान और रणबीर की फिल्में लगभग एक ही वक्त पर रिलीज के लिए तैयार होंगी। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर, क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की आज की स्टोरी से रिलेटेड हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, इज सलमान मिफ्ट विद रणबीर बिकॉज ऑफ कैटरीना। इस पर हमारे फैंस का क्या था रिएक्शन, आइए देखते हैं उनके ट्वीट्स में। Yes, cause Katrina is Salman's girlfriend and Ranbir is now snatching her from him. So RK will pay huge price like Besharam in future. If Salman is miffed with Ranbir, then how is he alive today? No, I don't think so. I don't think Salman is miffed with Ranbir cause he is already miffed with Abhishek Bachchan cause of Ash. No, cause as we all know, Salman is a big golden-hearted man. Why will he be? He can get many and better girls than her. Salman should not bother for such people who actually don't exist for him. Salman has many other things to do and better ones. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.